नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी न्यूज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय विकास और आवास विभाग की विधानसभा के समिति कक्ष में बैठक ली। बता दें, इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिल्डिंग परमिशन और कंपाउंडिंग के नियम और प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए, नियम स्पष्ट और सरल हो जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके और उसे कोई भी परेशानी ना हो। बता दें, सामान्य व्यक्ति जीवन में एक बार मकान बनाता है, अतः बिल्डिंग परमिशन आदि की व्यवस्था ऐसी की जाए कि जिससे वह परेशान ना हो सके और निर्धारित समय सीमा में कार्य हो पाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगरीय निकायों से नक्शे जल्दी पास कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भवन परमिशन से संबंधित सॉफ्टवेयर का आकलन कर यह पता करें कि वर्तमान में औसतन कितने दिनों से भवन परमिशन जारी की जा रही है। और बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। वही बता देते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि शासकीय भवनों के निर्माण के लिए भी नगरीय निकायों से अनुमति प्राप्त की जाए। वही नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड एवं पर्यटन सहित शासकीय भवन निर्माण में संलग्न सभी एजेंसियां बिल्डिंग परमिशन ले और निर्माण में बिल्डिंग लाइन, ओपन स्पेस, पार्किंग आदि का ध्यान रखा जाए। वहीं आपको बताते चलते हैं कि TDR और TOD के क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की जांच करने की भी बात की गई है, ताकि रहवासियों को सुविधा प्राप्त हो सके और शहरों की बेहतर प्लानिंग भी सुनिश्चित की जा सके। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हुकुमचंद मिल इंदौर के मजदूर के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने मजदूरों को मिलने वाली 464 करोड़ रुपए की बकाया राशि से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे 25,000 श्रमिक परिवारों के सदस्यों को राहत मिलेगी। वहीं बता दें कि श्रमिकों का यह भुगतान 20 वर्षों से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा स्थित समिति कक्ष में नगरीय विकास और आवास विकास विभाग की समीक्षा बैठक के बाद इस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।